मैं एकदम वाइस चांसलर रतनलाल हांगू की बात कर रही हूँ। और हद तो तब हो जाती है कि जब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर इलाहाबाद में आते हैं और वो कल्याणी विश्वविद्यालय से जहाँ से आए होते हैं वहाँ की एक लड़की की माँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्राओं को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर कहती है और उसे विश्वविद्यालय के महिला सलाहकार बोर्ड में भेजती है। आप यूनिवर्सिटी से उस पत्र की प्रति ले सकते हैं। और वो कहती है कि रतनलाल हांगू वो व्यक्ति है जो कि छात्राओं का दुरुपयोग करते हैं अपने निजी फायदे के लिए। वो अपने प्रशासन में उन लोगों को रखते हैं जिसके माध्यम से वो अपनी निजी स्वार्थ और निजी आपूर्ति के लिए लड़कियों की सप्लाई करवाने का काम करते हैं। ये आरोप बहुत गंभीर है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहती हूँ कि ये आरोप हम लोगों ने जब इसके पीछे गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का महिला छात्रावास जहाँ का ये इतिहास है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता था, आज पिछले 1.5 साल से ऐसी स्थिति हो गई कि रात रात भर यहाँ अवैध लोग आते हैं जाते हैं। मुख्य परिसर का दरवाजा रात भर खुला रहता है, लड़कियों को अंदर बंद कर दिया जाता है, लेकिन बाहर अवैध ठेकेदार लोग वाइस चांसलर का पीआरओ रात रात भर कैंपस के अंदर दिखाई देते हैं। चितरंजन की बात कर रहे कुमार। और तो और जब हम लोगों ने इस बात की शिकायत विश्वविद्यालय को लिख कर दी कि कैंपस के अंदर अवैध लोग आ रहे हैं तो विश्वविद्यालय ने कहा कि वो लोग निर्माण कार्य के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि UGC की गाइडलाइन है कि 6 बजे के बाद महिला छात्रावास या पुरुष छात्रावास के अंदर भी कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास के अंदर अवैध लोग रात रात भर आते रहे और पक्तियां करते रहे, गाना गाते रहे, शराब पीकर लड़कियों के कमरे में झांकते रहे। मैंने जब इस बात की शिकायत 3 महीने पहले लिखित रूप से विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर को की, जिला प्रशासन में SSP को लिख कर दी, लेकिन उन लोगों ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर हम लोगों को देश के उच्च सदन तक जाना पड़ा और माननीय सांसद जया बच्चन जी के माध्यम से उन्होंने विश्वविद्यालय में छात्राओं की महिला छात्रावास की गुणवत्ता पे सवाल किए कि किस तरीके से हमारे पास विजिटिंग हॉल नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद लड़कियां सड़क पर अपने अभिभावकों से मिलने निकलती। आपने हमारे ऊपर आरोप लगाए, हम यहाँ सड़क पर बैठ कर धरना दे रहे हैं और सारे सवालों का जवाब देने के लिए सामने। वाइस चांसलर साहब को ऐसा कौन सा डर है कि वो जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक वाइस चांसलर ये कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ कि सबसे सुंदर लड़की कौन है। वो वाइस चांसलर ये कहता है कि मैं छोटी छोटी लड़कियों से ये कह के कि यहाँ आओ, यहाँ शराब भी है, यहाँ दारू भी है। तो जो वाइस चांसलर छुपे तरीके से लड़कियों का शोषण करने की कोशिश करता है उसकी ये हैसियत भी नहीं है और उसकी नैतिकता भी नहीं है कि वो आए और समाज में अपने इन सवालों का जवाब दे। और शायद यही कारण है कि वो ना महिला आयोग के सामने आए, ना वो आपके सामने आ रहे हैं, ना वो हमसे बात करने आ रहे हैं। लड़कियां 4 दिन से धरने पे सड़क पर पड़ी हुई हैं। हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए उसकी जवाबदेही कौन करेगा? मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ, आज 16 दिसंबर है, निर्भया को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, लेकिन अब हम मोमबत्ती लेकर नहीं निकलेंगे। हम अपनी ये सुरक्षा मुकम्मल कराने के लिए सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार से कहना चाहते हैं कि जब आप मानते हैं कि कुलपति भ्रष्ट है, जब आप मानते हैं कि कुलपति छात्राओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो आखिर कौन वो लोग हैं जो कुलपति को संरक्षण दे रहे हैं? अपना परिचय दे दीजिए। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, रिसर्च स्कॉलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।